अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। आज मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो सा थोड़ा सा नॉर्मल एक सोशल मीडिया के ऊपर जो सा आजकल क्या हो रहा है इन दिनों के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हो जाए, थोड़ी सी खुलकर। तो बाकी यही है कि जो सा इज़्ज़त जो सी अल्लाह पाक के हाथ के अंदर होती है, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे छीन ले। तो आज मैं एक खबर इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़ रहा था, एक पेज के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी दुख हुआ देखकर, जिस तरह कैट फाइट्स हो रही थी वहाँ पे। आजकल का वो दौर चल रहा है कि जिसके अंदर हमें यूनिटी रखनी चाहिए, एक दूसरे की मतलब के खैर ख्वाह की दुआएं मांगनी चाहिए, कि जिस मुश्किल हालात के अंदर से हमारा मुल्क या पूरी दुनिया की इंसानियत जाने लगी हुई है, कि अल्लाह पाक हमें इस अजाब से बचाए और हर बंदे को महफूज रखे। लेकिन बस आज बस पता नहीं, शायद घर बैठ बैठ के लोगों का जो सा ना वो टेंपर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस वो कहते हैं कि जी मुझे ये क्यों कह दिया, तो मैं मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं। तो चलो ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अपने अल्फाज के साथ जो सा ना किसी का दिल आज़ारी ना होनी चाहिए। तो यही जो सा एक अखलाकी तरबियत होती है कि आप किसी का दिल ना दिखाएं। आपको गुस्सा आता है तो अगले को भी आता है, हर बंदे को गुस्सा आता है, हर बंदे को जो सी बात बुरी लगती है उसके मतलब उसे राइट है 100% कि वो अपनी बात जो सा वो लोगों तक पहुँचाए, अपना अजहार करे, या उसे कहे कि नहीं जी मुझे ये चीज़ आपने जो की है मुझे ये पसंद नहीं आई। एक तरीका कार होता है उस बात का, हर बंदे की ओपिनियन का जो उनसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिन लोगों ने आपको फेमस किया वो आपको उतार भी सकते हैं फेम से, ठीक है। तो बाकी जो उनसा हो सकता है आपको जो उनसा है ये आजकल ड्रामा श्रामा में कम काम मिल रहा हो या शायद ज़्यादा मिल रहा हो, मुझे इस चीज़ का पता को नहीं, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा मैं बात कर रहा हूँ जी बुशरा अंसारी साहब की, जो उनसे इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी इनकी फैली हुई है ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने भी आज पढ़ी है, पता नहीं शायद एक दिन पुरानी खबर है ये। तो चले टॉपिक का आगाज़ करते हैं इनके ऊपर। इन्होंने जो सा वो चंद बातें की हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पढ़ के काफ़ी देर यकीन नहीं आया, मैंने उसे काफ़ी दफ़ा पढ़ा, मैंने कहा शायद ये फेक अकाउंट है किसी का या इनका अकाउंट किसी ने हैक किया हुआ है। तो ऐसी खबर भी अभी तक सामने नहीं आई है कि किसी ने इनका अकाउंट हैक किया है। तो बाकी जो सा इनका ऑफिशियल अकाउंट है ये जो सा इनका बुशरा अंसारी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इनकी पोस्ट थी एक, वो हेलो पाकिस्तान का पेज है, उसके ऊपर इनकी वो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट वगैरह कर रही है, तो फोटो सेशन हो रहा है, ठीक है सही है। बाकी जो उनसे इन्होंने पोस्ट आई है तो काफ़ी लाइक 1600 से ज़्यादा लाइक भी आए हैं इसके ऊपर। तो बाकी जो उनसा काफ़ी लोगों ने नीचे लिखा होगा कि जी लिबरल डिज़ाइनर्स शुड डोनेट मास्क एंड मेडिकल किट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्थलेस फैशन फोटोज शूट। उनकी बात भी ठीक है, आजकल जो सा लॉरियल आगे पीछे जितनी भी कंपनीज हैं, फेमस ब्रांड्स हैं जो परफ्यूम भी बनाते हैं, तो डिज़ाइनर्स वगैरह वो मास्क बना रहे हैं जी, और इसके साथ इंसानों की मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर इंसान तो इंसान है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो। तो बाकी जो उनसा दूसरों ने भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह अग्रेसिव किस्म के कमेंट लिखे हैं, तो बाकी जो उनसा लोगों ने काफ़ी डिसलाइक किया इस तरह की मतलब के चीज़ों को ना, मतलब क्या आप ठीक है, आपने जो भी काम किया आपका काम है। और एक ने लिखा हुआ है इनसे कहो अल्लाह अल्लाह करें, एक ने लिखा हुआ है कब्र में पाँव हैं मगर अल्लाह हमें हदायत दे, दुनिया किस वक्त से गुजर रही है, इन्हें सुपर वूमन ऑन स्क्रीन की पड़ी हुई है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कपल गाला लगा रहा है, हाँ कुछ इस तरह करके लिखा, सॉरी लगा रहा है, खुदार समझाओ, खुदारा समझ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह ताला हर सबको हदायत दे, अल्लाह का जिक्र करो, इस तरह करके जौन सा ना लोगों ने कमेंट किए हैं, मेजोरिटी जौन सा। तो इनका इन्हें भी काफ़ी गुस्सा आया, इन्हें देख के, अच्छा जो इन्होंने बातें की हैं लोगों ने कमेंट किए हैं, चले उन्होंने उनका अपना ओपिनियन है ना, वो बात अपनी तरफ से जौन सा इस मौके की नज़ाकत के हिसाब से जौन सा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि चलें ठीक है सही है जी। आजकल जौन सा वो मतलब के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा ही उठने शुरू हो गए हैं, पहले एक और इशू उठा था
वो मारिया बी का वो भी बड़ी फेमस डिज़ाइनर हैं, उसके बाद इनका आ गया सामने। यार मतलब कि क्या ये चलने लगा हुआ है। अच्छा इनका कमेंट देखें आगे से, जोन से ये बुशरा अंसारी साहबा ने जोन सा ने रिप्लाई दिया आगे से, जाहल लोगों आप लोगों की बकवास बोंकने की वजह से कोरोना आया है। आर यू सीरियस? 5 वक्त की नमाजी हूँ और दिस वॉज डन अ मंथ अगो। यार ठीक है, नमाज जोन साहब आपका अपना फेल है, वो आप मेरे लिए या किसी के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो वो जोन साहब साहब ना नमाज का वो आपने अल्लाह ताला को देना, वो आपका पर्सनल चीज़ है, लोगों को पता है ना आप कितनी नमाजें पढ़ती हैं। ठीक है, ये जो उनसे ट्रेंड है ना कि मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, तुम कोई भी नहीं पढ़ते, तो तुम अल्लाह नौज बिल्ला तौबा अस्तगफार एक मुसलमान को काफर करार दे देते हैं, ये ट्रेंड ख़त्म करें आपकी मेहरबानी। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितनी नमाजें पढ़ रहा है, हो सकता है दूसरे आपसे नेक हो। यू जेलस बिचिस, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। घटिया लोग मरो तुम लोग सारे के सारे। यार आप बदवाएं दे रही हैं लोगों को, घटिया लोग, जेलस बिचीज, मरो सारे के सारे, बकवास करने से कोरोना आ गया। आपको पता है आइडिया है इस चीज़ का कि कोरोना किस चीज़ की वजह से आया, कोरोना क्या वायरस है, ये किस तरह फैलता है, इसके क्या नुकसान हैं, मतलब कि क्या मतलब कि एक बाशऊर एक मतलब के इंसान होने की हैसियत से कोई ऐसी बात नहीं करता। ये जोन सा आपने बड़ी अखलाक से गरीब ही बात की है, और इस तरह आपको नहीं था कहना चाहिए। आपको पता नहीं कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ चुभ गई है। ठीक है आपको नहीं पसंद भाई, आप जो सा अवॉइड कर दो कमेंट्स वगैरह, आपने अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर से जो सा ना वो लोगों को गालियाँ दे रही हैं पूरी कौम को। हो अच्छा, उसके बाद जो सा इन्होंने आगे एक दो और भी कमेंट किए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसके जवाब के अंदर। लोगों ने जब इनका ये कमेंट पढ़ा तो लोगों ने जो सा ना बड़ा ज़्यादा अपना रद्द अमल दिखाया कि यार ये किस तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को तो यकीन नहीं आया, जिस तरह मुझे नहीं आया यकीन, मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ इनका। अच्छा एक जोन सा वो यूज़र है, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है योर कमेंट रियली डिसअपॉइंटेड मी, यू मस्ट हैव इग्नोर्ड दैट कमेंट्स फ्रॉम पीपल, आई शुड हैव रिप्लाइड सेंसिबली। दैट्स अ वे, क्या फ़र्क हुआ आप में और उनमें, सारी तो नेकियां जाया कर दी इतनी गालियां दे के। बात तो ठीक है इनकी। उसके नीचे एक ने, उसे भी मेरी तरह यकीन नहीं है, उसने भी उसने इमोजी जोन सा वो भेजी है, इज इट यू सीरियसली, इन्हें टैग करके। उसके बाद ये जोन सा जी इन्होंने नीचे रिप्लाई किया, इन्होंने लिखा है जी इट्स ओवर माई लिमिट्स नाउ, दिस थ्रैश माइंड्स जस्ट बार्क एंड जज फेमस पीपल्स हु मेक यू फेमस। ये इसका जवाब देना आपने मुझे, घर पर पड़े हैं नाम मुराद जेलस, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मच्योर ओल्ड वुमेन, अचीव फेम एंड रिस्पेक्ट विद माई टैलेंट। ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट आपको मिली है टैलेंट की वजह से। प्राउड टू बी अ ग्रैंड मॉम एंड येट मेंटेनिंग माई सेल्फ, मे गॉड डिस्ट्रॉय दिस कुलप्रिट्स। आर यू सीरियस? मुझे तो लगता है कोई मतलब कि कोई अपने होशो हवास के अंदर आप नहीं हैं इस टाइम, इतनी बड़ी बात आपने और इतनी बददुआएं और गालियां देने लगी हैं बैठ के ये पूरे पाकिस्तान की आवाम को, और कहने लगी हुई हैं जी कोरोना वायरस जोन से है पाकिस्तान की आवाम की बकवास करने की वजह से आया यहाँ पे। तो अपना थोड़ा सा ना माइंड इस्तेमाल कीजिए, किसी वेबसाइट के ऊपर जाएं और सर्च कीजिए कि कोरोना वायरस है क्या, किसी की बात करने से आता है कोरोना वायरस, किसी की हलाफ बात करने से आता है, इतना अग्रेसिव होने का मकसद नहीं बनता था, जहां भी आपने इतनी ज़्यादा गालियां और हर बंदे को अंदर आपने रगड़ना शुरू किया हुआ अच्छे तरीके से। ये कोई तहजीब नहीं है किसी से बात करने की, क्रिटिसाइज तो मैं हूँगा बहुत ज़्यादा, मुझे पता है जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात तो करनी चाहिए, कौम के अंदर तो मैं भी आता हूँ, गुस्सा मुझे भी आया फिर जिस तरह आपको गुस्सा आया, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं किसी औरत को गालियाँ देता फिरूँ, या किसी को फजूल आके सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के फजूल कमेंट्स करता फिरूँ या ऐसी बातें करता फिरूँ। कोई कोई बात करने का तरीका होता है, कोई तहजीब होती है।
आपको पता भी है क्या सूरत जा रही है? आपको मैं थोड़े से ना क्विक इफेक्ट्स बताता हूँ इसके, ठीक है? ये कोरोना वायरस के आपको पता लगेगा। 6,21,000 बंदा जो उनसा ना इस टाइम अफेक्टेड है, टोटल कन्फर्म केसेस जिसे कहते हैं, ठीक है? और टोटल जो बंदे जान बहक हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो 28,200 से ज़्यादा है, 28,290 हैं तकरीबन। और 23,000 बंदा जो उनसा वो सीरियस कंडीशन के अंदर है, और तकरीबन 1,40,000 के करीब जो उन से ज़्यादा, बल्कि 1,41,000 बंदा जो उनसा है वो रिकवर्ड हो चुका है, और 192 कंट्रीज़ के अंदर जो उनसा ना ये डिजीज़ फैल चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर 1,400 से ज़्यादा, 1,415 बंदा जो उनसा है अफेक्टेड है, ठीक है? और 12 बंदे जो हैं वो अपनी जान अपने रब्बो हालिक से जाकर मिल चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी 12 बंदों की, और 26 बंदे जो हैं वो रिकवर हुए हैं पाकिस्तान में। और इस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले जो उनसे कंट्रीज़ हैं उसके अंदर नंबर 1 पे इस टाइम आने लगा है जी आपका यूनाइटेड स्टेट। फिर वहां के ज्यादा बंदे बकवास करते हैं जिसकी वजह से वहां ज्यादा आ गया कोरोना वायरस, वहां पे 1,00,000 से ज्यादा, 1,05,000 बंदा। इटली के अंदर 87,000 बंदा, 87,000 है तकरीबन। चाइना के अंदर जो सा 82,000 बंदे तकरीबन वहां पे इफेक्टेड है। स्पेन के अंदर 72,248 तकरीबन है। जर्मनी के अंदर 54,000, आप कर लें 54,000 बंदे, मतलब कि इतनी ज़्यादा दुनिया अफेक्टेड हो चुकी है इस मर्ज़ के अंदर कि उन्हें साइंटिस्ट को भी टाइम लग रहा है इसके ऊपर वैक्सीन वगैरह बनाने पे, कि वो कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि जो उनसे वो फॉल तक आ जाए, मतलब कि अक्टूबर तक आ जाए, हो सकता है इसकी वैक्सीन वगैरह को तैयार कर लें। तो अगर तैयार हो जाएगी तो उसी टाइम ही अवेलेबल नहीं होगी मार्केट के अंदर, इसे टाइम लगेगा तकरीबन को साल डेढ़ का टाइम है, 2 साल का अवेलेबल होते हुए मार्केट के अंदर, मतलब कि 2020 चल रहा है तो 2022 के एंड तक मिलेगी आपको जाके, या हो सकता है अल्लाह करे पहले मिल जाए कोई ऐसा, कोई मतलब कि अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई हमारे पे रहम फरमा दे कि उससे पहले ही हमें कोई ना कोई इसका इलाज मिल जाए। बाकी दुआ शुआ करें एक दूसरे के लिए, बद दुआएं देने से और इस तरह ज़्यादा गुस्सा करने से जो उनसे ना कोई मतलब कि कोई आपने कोई अपनी कोई बड़प्पन नहीं दिखाया, आपने बड़ी तहजीब से और बड़ी अखलाक से गरीब बातें की हैं, और इस चीज़ की माफ़ी आपको पूरी कौम के सामने आकर मांगना पड़ेगी, और मांगेंगी आप माफ़ी। आपने पूरी कौम को गालियाँ दी हैं, आप ये ना कह दें कि मैंने जी उन लोगों को सिर्फ पॉइंट आउट किया तो उनके ऊपर मार रहे हैं, तो ये मतलब कि इस तरह की बात करने का क्या मकसद है? आप तो सारे साफ पता लग रहा है आपके पॉइंट से कि आपने जो उनसे जो बातें की हैं, तो ये नीति आपको करनी चाहिए। अगर आपने कर दी है तो इसकी माफ़ी मांगें आप। तो बाकी चलें ठीक है, सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बंदे को जो उनसे ना इस अवेयरनेस हो कि मतलब कि ये लोग क्या आए हैं, और इनका असली चेहरा सामने आ सके ना लोगों को पता चले। प्लीज़ मैं तो कहूँगा, ये नहीं कि मेरा चैनल है मैं इसे प्रमोट करने के लिए आपको सबको कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सा ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने के मिलेंगे, और रियल फैक्ट्स जितने भी रियल फैक्ट्स हैं जो दुनिया के अंदर हो रहा है कोरोना के मुतल्लिक, आगे पीछे जो भी है उसके ऊपर सारी बातचीत होगी खोल के। तो थैंक यू वेरी मच।